हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किया, जैसे 3 डिपार्टमेंट किया था, आज फिर से 2 डिपार्टमेंट। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें 2 डिपार्टमेंट बेसिक सम लिया था, कल जो अपन ने सम किया HMT 3 डिपार्टमेंट का था, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट था। आज भी देखते आज 2 डिपार्टमेंट का सम है, क्या दिया है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 डिपार्टमेंटल, दैट इज चेयर डिपार्टमेंट, डॉल डिपार्टमेंट। चेयर और डॉल, डॉल गिफ्ट मिलता है ना वैलेंटाइन डे पे, नहीं मिलता है रोशनी को गिफ्ट, बस ध्यान देते। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 दिया है, मार्किंग कर लेते, देखते कौन सा चीज किधर जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा भाई, ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, हाया नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम डॉल प्लस चेयर दोनों का कंबाइन दिया, कंबाइन दिया है, मतलब इधर कुछ ना कुछ तो करना है, बट जाएगा किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर स्टोर कंज्यूम, स्टोर कंज्यूम भी अकेला दिया हुआ है, स्टोर कंज्यूम के अंदर कितना दिया भाई, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, स्टोर कंज्यूम मतलब दुकान का कंज्यूम होता है। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, पैकिंग एक्सपेंसेस डॉल का बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट ऑन बिल्डिंग, दो अलग अलग दिया हुआ है। फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग, क्या सर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी को डिपार्टमेंट, मतलब जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही, बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही, डेप्रिसिएशन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ना, खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है तो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग में डालते हो, और यहां पे डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक समझा। नेक्स्ट सेल्स चेयर और डॉल का दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है, गिवन दैट। अब एडजस्टमेंट आ गया, एडजस्टमेंट में डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, डॉल बनाने के लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ फैक्ट्री इक्विपमेंट है, तो फैक्ट्री का इक्विपमेंट में डॉल का कोई लेन देन है क्या, नहीं, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है ये डॉल में आएगा क्या, नहीं, ये किधर आएगा, चेयर में आएगा, क्योंकि अपने पास 2 डिपार्टमेंट, एक चेयर डिपार्टमेंट एक डॉल डिपार्टमेंट। तो इधर इंफॉर्मेशन दिया है कि डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ भी खर्चा अगर होगा तो वो डॉल के लिए नहीं होगा, चेयर के लिए होगा, समझा ये, हाँ पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद Only 1/8 of the building is occupied by doll department. Doll department जो है building का कुछ भी अगर होता है तो उसमें कितना portion उसका है, 1/8 portion, तो building से related, हाँ sir depreciation है building से related, तो depreciation जो भी आप दोगे उसमें से एक हिस्सा किसको देने का है, doll को, बाकी जो हिस्सा बच गया कितना 7, वो किसका रहेगा, chair का, मतलब ये भी एक information है, adjustment तो नहीं है, समझा, हाँ मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट। डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्टोर कंज्यूम को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, मटेरियल कंज्यूम, अब मटेरियल कंज्यूम कौन से रेशियो में, वही नहीं मालूम अभी तक, मालूम है क्या, नहीं, तो सोचेंगे आगे बढ़ते। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000, मटेरियल डॉल डिपार्टमेंट, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 1,80,000, उसमें से वो बोल रहा है 10,000 किसने यूज किया है, 10,000 का मटेरियल डॉल ने यूज किया है, तो बाकी किसने यूज किया है, चेयर ने, तो इधर एक रेशियो बनेगा और उसी रेशियो में स्टोर कंज्यूम को भी डिवाइड करें, बात समझा, हाँ चलिए। फिर डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, वापस सेम है शायद, दोनों एडजस्टमेंट दो बार टाइप हो गया,
डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, डिवाइड स्टोर कंज्यूम, मतलब दो बार एडजस्टमेंट आ गया, चलिए ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली, एडवर्टाइजमेंट को जैसा डिवाइड करना है वैसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग की तरफ, बट पहले फॉर्मेट पे आते हैं। पर्टिकुलर बेसिस कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो एक है चेयर डिपार्टमेंट और एक है डॉल डिपार्टमेंट, बराबर है। टोटल यहां पे सेम चेयर डिपार्टमेंट डॉल डिपार्टमेंट, क्लियर है। चल स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के लिए, एक एक करके पोस्ट करेंगे। सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है, सबसे पहला चीज दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक गिवन, बराबर है। चलिए चेयर कितना दिया देखो जरा बताओ, 25,000 डॉल, डॉल का कितना दिया है देख लेते, डॉल का दिया है, अरे चेयर 75 और इसका 25 होता है, नॉर्मल है। तो चेयर का कितना दिया था 75 और डॉल का दिया है 25, टोटल 1,00,000, 1,00,000 आएगा ना, अरे समझा। उसके बाद ही ना क्या दिया देखो जरा, उसके बाद दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डॉल प्लस चेयर का दिया है 1,80,000 और इसके बाद एडजस्टमेंट था, क्या था देखो, एडजस्टमेंट था वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 1,80,000, तो 1,80,000 के अंदर डॉल का कितना है, डॉल का है तो भाई अब बचा कितना 1,70,000, ये किसका है, समझ में आया क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में टू रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है गिवन 1,70,000 चेयर को और 10,000 डॉल को, टोटल 1,80,000, एनी डाउट? समझाइए, बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो मार्क्स निकाल सकते हो, क्लियर है। वसीम उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है स्टोर कंज्यूम 45, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था, क्या था, डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, तो रॉ मटेरियल यूज के अंदर आप देखो एक चेयर डिपार्टमेंट है एक डॉल डिपार्टमेंट है, चेयर में 1,70,000 था, डॉल में 10,000 था, रॉ मटेरियल अभी किया ना हमने, बराबर है भाई, 40 कट कर दिया, कट किया तो क्या रेशियो आया 17:1, तो इस रेशियो में किसे डिवाइड करना है, स्टोर कंज्यूम यानी कि 45,000, 17 + 1 = 18 हो जाएगा, तो क्या करोगे 45,000 इंटू 17/18, 45,000 इंटू 1/18, अरे समझा, कैलकुलेटर आप लोग के पास है, 45 / 18 करो कितना आ रहा है 2,500, इसको मल्टीप्लाई बाय 17 कर दो 42,500, बराबर, अरे समझा, तो आ गया 42,500 एंड 2,500, तो यहां पे लिखूंगा टू स्टोर कंज्यूम गिवन कितना, तो यहां पे आपको आ जाएगा 42,500, 2,500 टोटल 45,000। देखो यहां पे सिर्फ पोस्टिंग का काम है और कोई काम नहीं है, खाली पोस्टिंग में डिवाइड कैसे करना ये समझना। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है वेजेस, अलग अलग दिया है डॉल का भी चेयर का भी, डॉल का कितना 15, चेयर का कितना 30, वेजेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर है, तो टू वेजेस कितना दिया है, डॉल का दिया है 10,000, 15,000 भड़क नहीं करे बी नॉर्मल, यहां पे दिया है 15,000, इसका दिया है 30,000, 30 या 35 देख लेंगे, 15 और 30, 15 था डॉल का, 30 है चेयर का, तो यहां पे 30,000, ये हो जाएगा 45,000, ये बराबर है ना 45। आगे बढ़ता है, आगे क्या है जरा देखता है क्या, आगे दिया है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड
लॉस में भाई, इधर जगह छोड़ के यहां से चालू करता हूं। टू एडवर्टाइजमेंट कितना 7000। अभी मैं टोटल में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मालूम नहीं कैसे डिवाइड करना है, इसलिए समझे आकांक्षा। आकांक्षा उसके बाद क्या दिया जरा चेक कर लो। उसके बाद आपको दिया है पैकिंग एक्सपेंसेस और डॉल स्पेसिफाई किया है, मतलब ये डॉल का ही है ना, डॉल का है तो डायरेक्टली लिख सकता हूं कितना 3000 रुपए। पैकिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू पैकिंग एक्सपेंस गिवन चेयर में डैश यहां पे 3000, टोटल 3000। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक कर लो। उसके बाद आपको दिया है पैकिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 24000। भाई ये किसका है, क्या है, कुछ मालूम है क्या, नहीं। तो टू ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है 24000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद डेप्रिसिएशन में दो डेप्रिसिएशन दिया है, एक दिया है फैक्ट्री इक्विपमेंट और एक दिया है बिल्डिंग का। दोनों डेप्रिसिएशन कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बराबर है। अब फैक्ट्री इक्विपमेंट के ऊपर देखो आपको एक एडजस्टमेंट था कि भाई डॉल बनाने के लिए, डॉल बनाने के लिए इसने बोला था डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। जब उसे इक्विपमेंट नहीं लग रहा है तो फैक्ट्री का इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन उधर आएगा क्या, नहीं, वो कहां जाएगा चेयर में। तो फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है ये गिवन है, ये कहां आएगा चेयर में, कितना 16-16। अरे बात समझा, पक्का समझा है। नेक्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें भी एक एडजस्टमेंट दिया था, क्या दिया था देखो कि भाई ओनली 1/8 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय डॉल डिपार्टमेंट। मतलब उसने क्या बोल दिया कि जो डॉल डिपार्टमेंट है उसके अंदर 1/8 पोर्शन ही खाली आपका डॉल के लिए, बाकी किसके लिए रहेगा चेयर के लिए। तो खर्चा कितना है जरा चेक करो, तो टोटल खर्चा बिल्डिंग का है 8000 में से 1/8 पोर्शन किसके लिए, डॉल के लिए, तो बचा कितना 7/8। ये किसके लिए होगा चेयर के लिए, तो 1/8 मतलब 1000 इधर और 7000 इधर, टोटल 8000 है ना, 8 का 1/8 पोर्शन 1000 ही आएगा ना, समझा। तो डेप्रिसिएशन डॉल का कितना 1000, चेयर का कितना 7000, यहां पे डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, रेशियो लिखेंगे 1:7, बराबर। इधर चेयर में आ जाएगा 7000 और इधर आ जाएगा 1000, टोटल हो जाएगा 8, समझा, ये पक्का समझ रहा ना भाई। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है सेल्स कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना दिया है सेल्स देख लेते। तो डॉल चेयर का दिया है 4,50,000, डॉल का दिया है 90,000। भाई यहां पे आ जाते बाय सेल्स गिवन, चेयर का कितना 4,50,000 और इसका कितना 90,000, टोटल 5,40,000। अरे समझा। उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते, उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, 60,000 चेयर के लिए और 30,000 डॉल के लिए, तो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन, चेयर का दिया है साठ हजार, इसका दिया है 30,000, टोटल हो जाएगा 90,000। और कुछ हेलो एडजस्टमेंट पे, पहला एडजस्टमेंट था डॉल मेकिंग, भाई किया 1/8 कर दिया, डिवाइड कर दिया, रॉ मटेरियल हो गया डिवाइड, स्टोर कंज्यूम तो डबल था, एडवर्टाइजमेंट बराबर से एलोकेट करना है, मतलब और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब आ जाता मैं जरा एक्सपेंसेस देखता हूं जो मैंने डिवाइड नहीं किया, कौन सा डिवाइड नहीं किया है, एडवर्टाइजमेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस, दो चीज को मुझे डिवाइड करना है, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते, ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, सेल्स हो, तो एडवर्टाइजमेंट को कौन सा रेशियो देने का, तो बेस्ट रेशियो इज सेल्स रेशियो। तो जब कुछ नहीं दिया तो थोड़ा खर्चे के बारे में सोचना है, तो वो जो खर्चा है या जो फायदा है वो किससे रिलेट कर रहा है,
तो एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेट होता है? सेल से। तो हमेशा याद रखो, कुछ नहीं दिया है तो एडवर्टाइजमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो आपके पास ये है 450,000 and 90,000 है, नहीं तो रेशियो निकाल दो। क्या है? 450,000 is to 90,000। 4 0 4 0 तो क्या बच गया? 45 is to 9। 5 के टेबल 9 के टेबल में 9 1 9 5 5 is to 1। तो हमको कौन से रेशियो में से डिवाइड करना है? 5 is to 1। 5 plus 1 6 हो जाएगा। तो 7,500 divided by 6 करो, कितना आ रहा है? 7,500 divided by 6 कितना? 1,250। अब इसका 5 times कर दो, 6,250, टोटल 7,500। अरे समझा? अब बढ़ते हैं ऑफिस एक्सपेंस कौन से रेशियो में जाएगा। ऑफिस कौन से रेशियो में, जब कुछ नहीं बोला है तो आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस को इक्वली डिवाइड कर दोगे। कुछ नहीं बोला है तो इधर था सेल्स में, ऑफिस एक्सपेंसेस अपन नॉर्मली दोनों के लिए सेम ही करेंगे, तो इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? इक्वल, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसलिए। तो 24,000 को डिवाइड करेंगे 12,000। और कुछ है क्या? नहीं। समझाइए क्या बचता है? क्लोजिंग, फटाफट से क्लोजिंग कर लेंगे, देखते कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट क्या क्रेडिट, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, इधर 4.5 लाख ये कम है, 90 और 30 120 है ये भी कम है, मतलब यही साइड का टोटल ज्यादा है 1,20,000, यहां पे 5,10,000। कैलकुलेटर फटाफट, कैलकुलेटर पे करना है, सॉल्यूशन देख के नहीं खुद से ट्राई करो। 5,10,000 1,20,000 टोटल आ जाएगा इधर 6,30,000। चलिए फटाफट निकालिए जीपी और मेरे को बताइए। 5,10,000 में ये सब माइनस, एक जन इसको माइनस, एक जन इसको माइनस करो, कितना? कौन सा किया किसने? गौरी, रोशनी, फटाफट रोशनी, तू तो फेमस है वैसे भी, जल्दी टोटल करने मेरे, कितना आया? कितना इसका? 2,00,000। सबर इसका बोलो, 1,92,500। इसका 35,40,40,50,50 तो 60,000 में 500 रॉन्ग है ये रॉन्ग। अरे तुम लोग के पास कैलकुलेटर है यार, तुम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? देख लो तुम्हारे सामने अमाउंट है, कैलकुलेट मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, अगर तुम लोग को नहीं जम रहा है। 67,500 राइट आंसर है। हाँ, क्योंकि इधर हिसाब कर लिया था मैंने, 50,000 तो इधर ही हुआ था, 50 गया तो 60-70 बचने वाला, 70 में 2.5 माइनस करोगे 67,500 बराबर आंसर ही है। इधर 1,9 यही बोला था अभी, यही आंसर तो बोला था, दोनों को प्लस करो, वसीम कितना आया? 2,60,000, दोनों को प्लस करके चेक करो आएगा। 192 plus 75 10 1,60,000 2,60,000 हो गया, बराबर है। अब ये यहां से आ जाएंगे इस बाजू में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट पहले वाले को कितना है? 1,92,500, 62,500, 2,60,000, 67 पक्का 2,60,000 ना? अच्छा यहां पे ये उम्र में होता है बेटा नॉर्मल, 67,500। चलिए आप इधर आते, भाई इस साइड का टोटल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं,
कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है चेक कर लेते। पहले इधर देखता हूं मैं, 6,000, 20,000, 18,000, 28,000, 35,000, 35 और 6, 41,000 इधर का टोटल, वो 192 है। इधर 3,000, 15,000, 16,000, 17,000 का टोटल है, 67, मतलब वही साइड का टोटल ज्यादा है। यही टोटल ले लूंगा मैं, 1,92,500, 67,500, 2,60,000। सेम टोटल यहां पे आ जाएगा, 1,92,500, 67,500 एंड 2,60,000। चलिए माइनस कीजिए फटाफट, जो आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना, 1,51,250। इधर छोटा सा अमाउंट है, जल्दी माइनस कर लो, 2,15,000 बराबर है 2,01,500। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस करके चेक करो वो अमाउंट आ रहा है कि नहीं। 1,51,250, 50,250 प्लस करो, 2,01,500 आ रहा है, तो राइट है। बात समझा, खत्म हो गया डिपार्टमेंट तक। देखो इजी है, अगर करोगे अच्छे से तो टॉपिक इजी है, स्कोरिंग है, मिल जाएगा मार्क्स। क्लियर? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।